अटेम्प्ट है, देखते हैं कैसा बनता है। पहले हमने वहां से अभी तो मैंने आपको बताया भी था और अभी, और ये दोनों मेरे साथ होंगे। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमें नहीं पता कैसा बनेगा। आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे क्या बन रहा है। और मुनाफे की इज्जत रह जाए, मुनाफा इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बड़ी सिंपल है, दूध सबके घरों पे होता है, वो चाहिए। इसके लिए मैं इसको बनाने वाली फेनियों से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुइयों से भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से बनता है, हम फेनियों से बनाएंगे, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मेरे पास बटर है जो कि ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, हाँ हमें मेल्ट फॉर्म में वैसे तो चाहिए। और मोज़रेला चीज़ मंगवा लिया, थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा एक टर्किश क्रीम बनाने की कोशिश करेंगे और एक मोज़रेला वाला। और नेक्स्ट मेरे पास ये शीरा, मैंने इसको तैयार कर लिया, बस मैं इलायची डाली है और ये इलायची थोड़ा सा मैं सीरम भी डाल देती हूँ और चीनी डाली और उसका एक शीरा बना दिया। मुझे लग रहा है इसमें चीनी कम है तो थोड़ी सी चीनी डाल के उसको दोबारा से पका लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं हम ये फिनियों को यहाँ पे लाकर क्रश करेंगे। देखते हैं, बड़ा गंद मचाने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो जी हरारा मेरी हेल्प करा रही, क्योंकि कैमरा मैन इस टाइम पर मैं हूँ, कैमरा वुमेन। तो अभी स्टार्टिंग में हम ऐसा करते हैं, दो लेते हैं और देखते हैं, अगर और जरूर पड़ी तो और बनाना हुआ तो और ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने ना कचड़ मचड़ कर देना। और साथ ही साथ हमारे साथ ये व्लॉगर भी है, ये और ये भी है। ये पहले वाला हो गया, अब एक और पकड़ेंगे और इसको भी करेंगे, हाँ बेहतरीन बेहतरीन वाला होने लगा शुरू। बरारा कचड़ मचड़ कर रही है, इसका भी हाल। और अरम क्या कह रहा है, तो जी ये इसको अच्छी तरह से कचड़ मचड़ करना है। मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी इतनी होगी, एक के लिए इनफ होगी, दो बनाने हैं तो उसके लिए कम पड़ेगा। एक और पहले एक कर लेते हैं ना, चलो एक ही बनाते हैं पहले, उसके बाद सेकंड बनाएंगे। पहले अगर एक सही बन गया तो उसके बाद फिर दूसरे का बर्बाद करेंगे। मैं करूं अब। सो जी ये हो गया, बटर आप डालोगे रायरा, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास कितना और हमें चाहिए होगा। हाँ इतना इनफ इनफ। तो जी हाफ बटर आ गया है, अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। रायरा के हाथ ऑलरेडी मेस थे तो मैंने कहा ये काम भी आप ही कर दो। तो जी ये कचड़ मचड़ जो होता है अच्छी तरह से रायरा ही करी है, और हाथों की हीट से मुझे लगता है कि बटर और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और सारा मिक्स हो जाएगा। और ये दरवाजा खुला है, तो बटर कम पड़ गया है, हाँ थोड़ा सा और डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको जो है ना बटर में करना है। समझ में तो बस इतना काफी होगा, अभी और बटर ऐड कर रहे हैं। हाँ जी आप बोलो, मैं ये हो गया है इनफ, और इसमें बटर जो हमने मिक्स कर दिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे जस्ट होने के लिए, उसके बाद इसका प्रोसीजर स्टार्ट। तो अभी हम लोगों ने इसको सेट होने के लिए रख दिया और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई। तो जी सॉस बनाने का तरीका ये है, 2 टेबलस्पून आपने ऑल पर्पज़ फ्लोर लेना है, उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने के बाद इसमें आपने ऐड करना है चीज़। यहाँ पे ये मैंने मिल्क ऐड किया, उसके बाद चीज़ ऐड किया और इसको मिक्स 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 कर दिया। और सॉस को थोड़ा थिक रखिएगा क्योंकि एंड पे हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। एंड परंपरा गंत मचाना ही होता हमने। तो जी इस तरह से ये थोड़ी सी थिक सी हो गई है, इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें चीज़ और ऐड किया, मुझे कम लग रहा था, चीज़ ज़्यादा होगा तो याद है यम 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 बनेगा। और इसके बाद इसको अच्छे से ये देखिए इतनी थिक हो गई है, इवन कि अभी ये ठंडी नहीं हुई है फिर भी इतनी थिक है, जितनी थिक होगी तो बेटर रहेगी। इसके बाद इसमें क्रीम ऐड करनी है, थोड़ा सा मिक्स 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 करना है, इसको थोड़ा सा कुक करना है, एंड देन इट्स रेडी। अभी पैन ग्रीस हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं समझें, चलो कैसे करनी है, मटेरियल कम है इसके अंदर ये डाल के सारे को, और इसकी एक इवन लेयर बना देंगे और मेक श्योर ये इक्वल होना चाहिए। सो गाइस कोशिश करें इस लेयर को आप थिन रखें, बहुत ज़्यादा थिक ना रखें, ज़्यादा थिक होगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको जितना आपको एक थिन लेयर में आएगा। उसके बाद इसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है, ताकि आप जब सॉस डालें तो इवन हो जाए। सिर्फ क्रीम डालेंगे क्योंकि वो जब गर्म होगा तो ऑलराइट ये ना स्प्रेड आउट हो जाएगी, तो इसको अब सेंटर में डाल के इसी तरह और डाल। हाँ चलो अब इसको स्प्रेड आउट करो, फिर और जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। सेंटर सेंटर में रहे, कोशिश ये करनी, हाँ ऐसे। तो इसको और डलेगी है ना, मेरा बहुत काम है, डालो डालो हमारा मुनाफा बनाने।
बेसिकली रेसिपी है मुनाफे की मल्ट वरारा के अकॉर्डिंगली ये मुनाफा चलो मुनाफा हो जाएगा मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है हो गया इससे ज़्यादा मजीद हो गया तो यहाँ पे ने मुनाफे के और इसको थोड़ा स्प्रेड किया है तो हम इसके ऊपर और अपना मटेरियल डालेंगे सब ज्यादा मटेरियल होता है तो ज्यादा कवरिंग आता है ताकि ना ये ना केक के शेप ले ऐसे ऐसे जैसे फेनिया होती हैं उसी तरह इसको कर देना वापस समेट देना है चलो यहाँ पे हमने और मटेरियल बना के अब इसको पूरा कवरिंग मैं कहा था ना जो ज़्यादा मटेरियल होता है तो ज़्यादा कवरिंग आता है और ये गंद आप देख सकते हैं हमारी परा रंग ये जो बच गया था हमने वो भी बना के इसको डाल दिया अब इसको इवन करना है बहुत स्लाइडली ताकि जो नीचे वाला मटेरियल है ना उसकी वो ऊपर खुदक के ना आ जाए और हमारी बेस्ती ना हो जाए नहीं वो तो मैं मिलता गन बचाया उससे होगी है इसको ऐसे इवन करना है क्योंकि हमने इसको टर्न करके भी पकाना है ना बाबा चले गए तो अभी हम इवन कर रहे हैं इसे मालिश लग रही है हमें हो गए हैं 5 मिनट्स अभी को 15 मिनट्स आई थिंक लगेंगे इस साइडों से बटर आना शुरू हो जाएगा ना तब ऑलमोस्ट नीचे से थोड़ा हाँ लास्ट है इसको हमने रखा हुआ है जो दम वाली जो होती है ना फ्लेम की लेवल ये लास्ट लेवल सो जी ये थोड़ा थोड़ा ये साइड से बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा बटर जो है वो सेपरेट हो गया हुआ है कुक हो गया हुआ है तो मुझे लगता है कि अब हम इसको टर्न कर लेना चाहिए और सबसे ज्यादा मुश्किल बंद कर दो सही बन गया इट्स सो नाइस अब इसको दोबारा से शिफ्ट कर अब हम इसको जरा कोशिश के साथ और इसको ना हम उसके अंदर दोबारा डालने की कोशिश करेंगे फिर कैसे से ज़्यादा मुश्किल ये जा रहा है हमारा मुनाफा माइनर सा आई जस्ट होप ये माइनर सा सेटल करने के बाद इसको वापस से काम में जाएंगे तब हम वापस आए हैं इसको चेक करने के लिए विश कि सही हो गया हो खुशबुएं हमें आ रही हैं क्योंकि मुझे नहीं आ रही है और इसको करते हैं बंद बंद चूल्हा बंद चूल्हा बंद कर दिया है अब ये है हमारा कुनाफा और ये है हमारा ऐसा ये लगा वाओ अब इसको बहुत ही प्यार के साथ उतारना है और इसको टेंडिंग बेंडिंग करके हमने इसको सही कर दिया तो जी एक तो बैठ गया था कम तो मैंने एक और बनाया है और ये काफ़ी स्मॉलर है उससे इसको मैंने अब एक और ट्राई करूँगी इसको जो है ना मैं टर्न करूँगी इस पे तवे पे मैंने इसको बटर लगा के पहले से रेडी करके रखा हुआ जैसे ही यहाँ से हो जाएगा तो मैं इसको तवे पे शिफ्ट करूँगी और फिर मैं इसको पकाऊँगी लेट्स सी ये वाला आई जस्ट होप ये उससे बेटर बनेगा क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड वन तो जी ये टर्न हो चुका है अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे उठा दूँगी और हैव अ लुक थोड़ा सा इसके अंदर चिपक गया बटर सो के इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा वापस से रिबिल्ड कर दूँगी और ये देखिए जी तवे पे आ गया और इसका आप कलर चेक कर लो बेटर देन बिफोर नाउ अभी जो पीसेस हमारे इससे गए थे उसको हम बड़े प्यार से वापस से जोड़ देंगे यस लाइक दिस and make it really nicely reshaped
आई जस्ट होप इट्स फार बेटर देन बिफोर. इट्स फार बेटर देन लुक. इट्स सुपर डुपर परफेक्ट. आई नो आई एम योर बिग बर्थडे. सो अरे कुनाफा रेडी हो चुका है. एज यू कैन सी ये बहुत ही बेहतरीन से कुक हो गया है. और पॉट्स की शक्ल जो है वो ये देखिए, तवे पे इतना ज़्यादा भी नहीं चिपका और इस पे भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है. अब हम जाने वाले हैं इसको खाने के लिए. मैं आपको दिखाती हूँ कि सीरम कैसे डालना है और सब इसका अंदर से क्या ही.